Hey, what's up guys? My name is Gyanshu Singh and you are watching Fashion Styler. आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक बैड बॉय की तरह बनना है और एक बैड बॉय की तरह दिखना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको एक बुरा इंसान बनने को क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बैड बॉय बनने को क्यों कह रहा हूँ। तो जनरली बुरा इंसान, ठीक है, बैड बॉय का मतलब बुरा इंसान नहीं होता है, बैड बॉय का मतलब कुछ और होता है। और हम लोग हर जगह सुनते हैं कि लड़कियाँ बैड बॉयज़ में फिदा होती है, लड़कियाँ बैड गाइज को पसंद करती हैं। तो यहाँ पर बैड बॉयज़ का मतलब ये नहीं होता कि एक बुरा इंसान बनो, या फिर बैड बॉयज़ का एक मतलब बुरा इंसान नहीं होता है, ठीक है। बैड बॉयज़ का मतलब होता है कि एक बहुत ही डैशिंग कूल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, बैड एस पर्सनैलिटी। जैसे कि हम लोग अगर मूवीज़ देखते हैं, आप भी मूवीज़ देखते होंगे, अगर आप मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ में जो मेन कैरेक्टर होता है मूवी का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट, वो कोई स्टूपिड टाइप ऑफ बंदा नहीं होता है या फिर कोई लल्लू टाइप ऑफ इंसान नहीं होता है। वो जो नेचर होता है उसका, ठीक है, जो प्रोटैगोनिस्ट का कैरेक्टर होता है, बहुत ही कूल, डैशिंग और बहुत ही अमेजिंग टाइप ऑफ नेचर होता है, और उसी नेचर को हम लोग बोलते हैं बैड बॉय पर्सनैलिटी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक बैड बॉय की तरह दिख सकते हो और आप एक बैड बॉय बन सकते हो। तो अगर आप बैड बॉय बनना चाहते हो और लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि गर्ल्स आपको पसंद करें, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। बैड बॉय बनने के लिए सबसे पहला चीज जो आपको करना है इज फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद के ऊपर ध्यान दो। हमेशा ये मत सोचो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, मिश्रा जी का बेटा क्या कर रहा है, ये सब मत सोचो, खुद के ऊपर ध्यान दो। दूसरों के जिंदगी पे ध्यान देने की जगह पर खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान दो, खुद के इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आप खुद पे ध्यान दोगे तो दुनिया आप पे ध्यान देगी, और अगर आप दुनिया पे ध्यान दोगे तो दुनिया आपको इग्नोर करके निकल जाएगी, ठीक है। और एक चीज़, आपको खुद के खुशी के लिए जीना है, दूसरों के खुशी के लिए नहीं। मेनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे हम इसके साथ घूमने जा रहे हैं तो हम लोग कैसे इस इंसान को अच्छा फील करा सकते हैं, या फिर अगर हम लोग किसी के साथ हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे सामने वाले को अच्छा फील करा सकते हैं। नहीं, सामने वाले को अच्छा फील कराना, आप इस चीज़ को सोचे ही मत कि सामने वाले को कैसा फील होगा, आप ये सोचो कि आपको क्या अच्छा फील कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ डेट पर जाने वाले हो, किसी लड़की के साथ, और आप कॉन्स्टेंटली ये दिमाग में सोचोगे कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, कैसे इसके साथ बिहेव करूँ कि ये अच्छा फील करेगी। तो ये ऐसा मत सोचो, आपको सोचना है कि आप कहाँ पर जाना पसंद करोगे उसके साथ, और वो भी आपके साथ आ पाए, क्या आपको अच्छा फील कराएगा। क्योंकि अगर आप खुद को खुश रखोगे, खुद के माइंडसेट को खुश रखोगे, तो जाहिर सी बात है आपके साथ जो है आप उसको भी खुश रख पाओगे। इसलिए फोकस ऑन योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स। सेकेंड चीज़ जो आपको एक बैड बॉय बनाएगी इज द एबिलिटी ऑफ टेकिंग लीड, बी अ डिसीजन मेकर। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ कहीं बाहर जाना है, या फिर आपका फ्रेंड्स ग्रुप कहीं बाहर जाने का सोच रहा है, बट वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ जाया जाए, वहाँ पर आप डिसीजन लो, आप बताओ कि कहाँ घूमने जाना है और कब घूमने जाना है, ठीक है। बी अ डिसीजन मेकर। जब आप डिसीजंस लोगे दूसरों के लिए और खुद के लिए, तो आप उस भीड़ से, जो भीड़ कन्फ्यूज बैठी है, उससे आप आउटस्टैंड करोगे और काफ़ी अच्छे तरह से आप उनके नज़र में परसीव करोगे, वो लोग आपको एक काफ़ी अच्छे तरह से परसीव करेगा और आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी समझेगा। इसलिए आप डिसीजन मेकर बनो। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, वो लोग कहीं बाहर खाने जाने का प्लान कर रहा है, ठीक है, कहीं लंच करने का प्लानिंग कर रहा है, बट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस जगह पर जाया जाए, वहाँ पर आप डिसीजन मेकर बनो। आप बोलो संडे को हम लोग डोमिनोज चलते हैं, बहुत दिन से हम लोग डोमिनोज नहीं गए हैं, और भाई तू खा लेगा कुछ अपना फेवरेट वेज पिज्ज़ा, तू कुछ नॉन वेज खा लियो, ठीक है। बट डिसीजन आपका होना चाहिए, आप डिसाइड करो कि कहाँ जाना है और कब जाना है। आप नंबर 3, बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर आपको एक बैड बॉय बनना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के होना चाहिए, एकदम भरपूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंट बनना और कॉन्फिडेंस दिखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्फिडेंस का ज़रूरत हर किसी को है और कॉन्फिडेंस का ज़रूरत हर जगह ही पड़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी भी एक दिन में नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। आपको वेरियस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करते करते खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, यह अपने आप एक दिन में नहीं आ जाता। और मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फिडेंस के ऊपर बनाया है, तो अगर आपको वाकई में कॉन्फिडेंट बनना है या फिर कॉन्फिडेंट दिखना है, तो मैं यहाँ आई बटन में एक वीडियो मेंशन कर दिया हूँ, जो कि मैं खुद बनाया था इसी चैनल पे। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना। और इस वीडियो में मैं बस 2 टिप्स ऐसे जो दूंगा जो आपको हाईली कॉन्फिडेंट बना देगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखोगे इन 2 टिप्स को सुनने के बाद। तो पहला जो टिप है वो है
कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन करो, ठीक है? मतलब कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आप उनके आंखों में डायरेक्ट देखकर बात करो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बात करते हो नीचे देखते हैं, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अगर आपसे मैं बात करूँ अगर और मैं यहाँ पे नीचे में देख रहा हूँ तो आप समझ जाओगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। बट अगर मैं बात करते वक्त डायरेक्ट आपके आंखों में देख रहा हूँ तो देखो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा हूँ मैं, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट अच्छा मेंटेन करने का एक सिंपल सा तरीका है, दोनों आंखों में देखो और फिर लिप्स पे देखो, ठीक है? आप डायरेक्ट आंखों में घूरो मत, आप बात कर रहे हो आंखों में देखो, फिर थोड़ा सा साइड में देखो, फिर वापस से आंखों में देखो। ये एक बेस्ट तरीका है आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का। बट अगर आप ऐसे घूरते हुए भी बात कर रहे हो तो वो भी बहुत ही अजीब लगेगा। सो आपको घूरना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉन्स्टेंटली उसको घूर रहे हो या फिर कॉन्स्टेंटली आप नीचे देख रहे हो। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि आप बात कर रहे हो नॉर्मली आंखों में देखकर, फिर थोड़ा सा नज़र हटा, फिर आप वापस से देख रहे हो। तो इसको बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट करने का सही तरीका। और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए जो सेकेंड चीज़ है वो है बॉडी पोस्चर। आपको अपने बॉडी को एक कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर में ढालना पड़ेगा, जैसे कि ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर हैंड्स ऑन द साइड एंड लुक फॉरवर्ड। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर है और आपको कॉन्फिडेंट दिखने में काफ़ी हेल्प करेगा। इस बॉडी पोस्चर को हम लोग बोलते हैं सुपरमैन पोज, ठीक है? आपको अपने हाथों को साइड में रखना है एंड कीप योर बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट एंड लुक इन द फ्रंट। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर। तो आप ये दो चीज़ें जरूर ट्राई करो। नंबर 4, बी रेडी टू टेक रिस्क इन लाइफ। लाइफ में हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जाकर आग में कूद जाओगे बिना किसी रीजन का। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप झूठ मूठ के अपने लाइफ को खतरे में डालो। रिस्क लेने का मतलब ये होता है कि आपके जो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, जो क्रूशियल डिसीजंस है, आप वहाँ पर कतराओ मत, पीछे मत हटो। जब आपको दिख रहा है कि मैं छोटा सा रिस्क लेकर लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ तो वो रिस्क ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बंदा है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, और वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इनसिक्योर फील कर रहा है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, या फिर मेरा पैसा कहीं डूब गया तो, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं। तो बिना ट्राई किए वो ऐसे ही हार मान गया और ऐसे ही हार गया। बट एक बैड बॉय क्या करता है, वो रिस्क लेता है लाइफ में, वो ट्राई करता है बिना। अगर कोई भी इंसान बिना ट्राई किए ये कह रहा है कि मैं अनसक्सेस हो जाऊंगा तो पहले ही हार जाता है। आप एटलीस्ट ट्राई करो। ट्राई करने बाद भले अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप हारोगे नहीं, कुछ कुछ सीखोगे। इंसान कभी भी लाइफ में कुछ हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या तो सीखता है। हार नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। इसलिए ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड रिस्क लेने से कभी कतराओ मत। लाइफ में हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहो। नंबर 5, लुक लाइक अ बैड बॉय। बैड बॉय की तरह दिखो। अब हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप जेम्स बॉन्ड की मूवी देखे होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो कैरेक्टर उसमें जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करता है, उसका जो अपीयरेंस है, आउटफिट है, काफ़ी मैच्योर तरह का आउटफिट होता है और काफ़ी शार्प आउटफिट रहता है। तो आपको उस टाइप का आउटफिट रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सूट बूट पहनकर निकल जाओगे, वैसा नहीं। बट आपको हमेशा अपने आउटफिट पर और अपने अपीयरेंस पर ध्यान देना है। जैसे कि आपको अपने ग्रूमिंग रूटीन का ख्याल रखना है। आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या पहनना है। जो आउटफिट होता है और जो अपीयरेंस होता है वही आपके पर्सनैलिटी को पुटअप करता है लोगों के सामने। सो मेक श्योर दैट यू लुक परफेक्ट। आपको चाइल्डिश नहीं दिखना है, बच्चों की तरह ड्रेसअप मत करो। हमेशा ऐसा ड्रेसअप करो जिससे आप मैच्योर दिखो। आपके ड्रेसिंग का कोई पॉइंट होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग का कोई वैल्यू होना चाहिए। और अगर आपको ड्रेसिंग सेंस के ऊपर और फैशन के ऊपर वीडियोज़ चाहिए या फिर फैशन के ऊपर कोई भी टिप चाहिए तो मैंने वीडियो बना रखा है आई बटन में, वो वीडियो भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब जाओ उस वीडियो को चेकआउट करो। मैं गारंटी देता हूँ आपका फैशन लेवल या फिर फैशन नॉलेज का लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा और आपका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। सो प्लीज़ उस वीडियो को चेक करो, इस वीडियो को चेक करने के बाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं फैशन रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ, मैं ग्रूमिंग रिलेटेड वीडियोज़ लाता हूँ, मैं लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट वीडियोज़ लाता हूँ, मैं पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट वीडियोज़ लाता हूँ। तो अगर आपको वाकई में अपने फैशन नॉलेज को, पर्सनैलिटी नॉलेज को, पर्सनैलिटी के बारे में जो आपका नॉलेज है, अगर वो सभी चीज़ों को इंक्रीज करना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं गारंटी देता हूँ कि टाइम के साथ आपका जो नॉलेज है फैशन को लेके, ग्रूमिंग को लेके, पर्सनैलिटी को लेके या फिर लाइफस्टाइल को लेके काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नंबर 6, टेक पॉजेस एंड ब्रेक्स व्हेन यू स्पीक। आप पॉजेस और ब्रेक्स का यूज़ करो जब भी आप बात कर रहे हो। अपने बोलने के तरीके में ठहराव लाओ। जब भी आप बात कर रहे हो, अगर आप कॉन्स्टेंटली बोलते जा रहे हो बात करते वक्त, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, अगर मैं कॉन्स्टेंटली बोलते जाऊँगा तो सुनने वाले के दिमाग पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं बोलते बोलते स्टॉप लेता हूँ, थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, तो
जो सुनने वाला है उसके दिमाग पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजेस होते हैं और जो ब्रेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग पे एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं, जो सस्पेंस का जो टेंशन होता है वो क्रिएट होता है कि ये इंसान आगे क्या बोलने वाला है। अगर मैं बोलते बोलते यहाँ पर मैं कोई पॉज लेता हूँ तो आपके दिमाग में एक सस्पेंस क्रिएट होगा, आप सोचोगे कि आगे ये क्या बोलेगा, और इससे आप मेरी बातों को सुनने के लिए और इच्छुक हो जाओगे और ध्यान से सुनोगे मेरे बातों को कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। आपका ध्यान टोटली मेरे वर्ड्स पे आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों का अटेंशन अपने तरफ खींचने का बोलते वक्त। सो टेक पॉजेस व्हेन यू स्पीक, यूज पॉजेस एंड ब्रेक्स व्हेन यू स्पीक। नंबर 7, टॉक लेस एंड लिसन मोर, बोलो कम सुनो ज़्यादा। अगर आप बोलते कम हो और सुनते ज़्यादा हो तो इसका डेफिनेट सा ये मतलब है कि आप लोगों के बातों पर ध्यान देते हो और उसमें से जितना इन्फॉर्मेशन हो सके आप एक्सट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली बोलते जाते हो और लोगों के बातों को सुनते नहीं हो, खुद की बोले जा रहे हो, तो जो सामने वाला है जो आपसे बात कर रहा है वो भी ये सोचेगा कि किस तरह का इंसान है, जब मेरे बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा तो मैं इससे बात क्यों करूँ, तो आपका वहाँ पे रिस्पेक्ट कम हो जाता है। बट अगर आप इस तरह के इंसान हो जो बोलता कम है बट जब भी बोलता है तो सही जगह पर और सही बात कहता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके बातों को लोग वैल्यू करेंगे। जैसे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं बिना मतलब के कॉन्स्टेंटली बोलता जाऊँगा सिर्फ खुद का ही बोलूँगा और सामने वाले का नहीं सुनूंगा, तो सामने वाला जो मेरे से बात कर रहा है वो डेफिनेटली सोचेगा कि किस तरह का इंसान है, जब मेरी सुन ही नहीं रहा है तो मैं इससे बात क्यों करूँ। हर इंसान चाहता है कि उसको अटेंशन मिले, बट अगर आप सामने वाले को अटेंशन नहीं दोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। सो उसके बातों को भी अटेंशन दो और जब आप बोलो तो एकदम सॉलिड बोलो, तगड़ा बात बोलो। नंबर 8, ना बोलना सीखो। ठीक है, ज़िंदगी में ना बोलना सीखो। जैसे अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए राज़ी नहीं हो तो सिंपली मना कर दो। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको लाइफ में जो आपको यूज़ करेंगे अपने काम के लिए और उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बैड बॉयज़ होते हैं वो दूसरों का फ़ायदा करने के लिए खुद का नुकसान नहीं करते हैं। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है किसी का हेल्प करने पर, तो वहाँ पर आप ना बोलो। मैं ये कहता हूँ कि हेल्प करना सही चीज़ है, मैं भी मानता हूँ कि हाँ दूसरों का हेल्प करना चाहिए, बट जहाँ पर खुद का नुकसान हो वहाँ पर आपको हेल्प नहीं करना चाहिए। खुद का सेफ्टी पहले है, तो मना करना सीखो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मना नहीं कर पाते हैं और कॉन्स्टेंटली दुनिया वाले उनको यूज़ करने लगते हैं। तो यूज्ड अप होने के लिए तुम नहीं बने हो, तुम्हारा खुद का लाइफ है, तुम्हारा खुद का गोल है, तुम्हारा खुद का एम है। सो ना बोलना सीखो, ये तुम्हारा टाइम और मेहनत जा रहा है किसी और के हेल्प करने में। तो अगर लग रहा है कि तुम्हारा खुद का लॉस हो रहा है खुद के टाइम और मेहनत देने के बाद, तो वहाँ पर तुमको ना बोलना आना चाहिए। सो लर्न टू से नो। मुझे पता है ये हैबिट जल्दी नहीं आता है, मुझे भी नहीं था, मैं भी ना नहीं बोल पाता था लोगों को। अगर कोई बोलता था कि भाई ये काम कर दे तो मेरा कितना भी लॉस हो रहा हो उसके काम करने में मैं करता था, खुद का लॉस हो भाड़ में जाए सुस्ता नहीं था कुछ। ठीक है, तो जिसके वजह से लोग मुझे यूज़ करने लगे थे, मैं यूज्ड अप होने लगा था। तो ये हैबिट हटाओ। यस, हमेशा यस बोलना सही नहीं होता है, कभी कभी ना भी बोलना चाहिए खुद के भलाई के लिए और अपने साथ वालों के भलाई के लिए भी। नंबर 9, डोंट से सॉरी फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए सॉरी मत बोलो। जहाँ पर आपको लगे कि वाकई में आपने कुछ गलती किया है वहीं पर सॉरी बोलो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कारण सॉरी बोलते जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके लाइफ में आप बहुत से ऐसे लोगों से मिले भी होंगे जो थोड़ा सा भी कोई गिल्ट फील करा दे उन्हें तो वो सॉरी बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्या वाकई में उनका कोई गलती था या नहीं था, बस सॉरी। सो ये जो सॉरी जो वर्ड है, अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हो तो ये आपको वीक दिखाएगा, लोगों के सामने आपका जो पर्सनैलिटी है वो वीक दिखेगा और लोग आपको कमज़ोर समझने लगेंगे। और जैसे ही दुनिया आपको कमज़ोर समझेगी, दुनिया आपका यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो कमज़ोर मत बनो, यू हैव टू बी स्ट्रांग। दिस इज़ अ क्रूअल सोसाइटी, ये आपके बारे में नहीं सोचती है। आपको स्ट्रांग बनना होगा और आपको खुद का दिमाग यूज़ करना होगा कि आप कहाँ पर गलत हो और कहाँ पर सही हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बार बार गलती करके सॉरी बोलोगे। तो गलतियों का जो ये कोरा चिट्ठा है, जो गलतियों की गिनतियाँ हैं आपके लाइफ में, उन्हें भी कम करो। ऐसा नहीं है कि गलतियाँ पे गलतियाँ आप करते रहोगे और सॉरी बोलते रहोगे। तो अगर आपको सॉरी कम बोलना है लाइफ में तो गलतियाँ भी कम करो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
एंड अगर आपको वीडियो हेल्प करता है कोई भी मेरा, तो वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर आपका हेल्प हो रहा है तो बाकियों का भी हेल्प होना चाहिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पीस।